स्मार्ट सिटी धर्मशाला में अंडरग्राउंड केबलिंग की कवायद शुरू हो गई है। स्मार्ट सिटी धर्मशाला में शिक्षा बोर्ड से बस स्टैंड तक विद्युत केबल को अंडरग्राउंड किया जाना है, जिसके लिए स्मार्ट सिटी प्रशासन ने विद्युत बोर्ड को 13.44 करोड़ रुपए की प्रपोजल भेजी है। स्मार्ट सिटी की ओर से विद्युत बोर्ड को इसका एस्टिमेट तैयार करने की बात कही गई थी, जिस पर विद्युत बोर्ड ने स्मार्ट सिटी की प्रपोजल पर कार्य करते हुए एस्टिमेट तैयार करके डिमांड नोटिस स्मार्ट सिटी प्रशासन को भेज दिया है। बोर्ड अधिकारियों की माने तो स्मार्ट सिटी की ओर से राशि का भुगतान करने के साथ ही कार्य शुरू किया जाएगा। गौरतलब है कि स्मार्ट सिटी धर्मशाला में जगह जगह बिजली की तारों का जाल है, जिसे स्मार्ट तरीके से व्यवस्थित करके अंडरग्राउंड करने की प्रपोजल स्मार्ट सिटी की ओर से तैयार की गई है, जिस पर एस्टिमेट तैयार करने का कार्य विद्युत बोर्ड को दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार विद्युत केबल को अंडरग्राउंड करने के लिए नालियों की व्यवस्था उधर स्मार्ट सिटी की ओर से की जाएगी। स्मार्ट सिटी में स्कूल शिक्षा बोर्ड से बस स्टैंड तक अंडरग्राउंड केबल के लिए विद्युत बोर्ड को 13.44 करोड़ का प्रपोजल मिला था, जिस पर विद्युत बोर्ड ने एस्टिमेट बनाकर डिमांड नोटिस स्मार्ट सिटी को दे दिया है। जैसे ही अमाउंट की रिसिप्ट मिलेगी, उसके अनुसार कार्य शुरू कर दिया जाएगा। स्मार्ट सिटी के रिगार्डिंग, अंडरग्राउंड केबलिंग के रिगार्डिंग, स्मार्ट सिटी के ऑफिस से जो हमें मिला था प्रपोजल, वो है एजुकेशन बोर्ड से लेके आपका बस स्टैंड तक का। तो उसके रिगार्डिंग हमने जो भी एस्टिमेशन थी, वो एस्टिमेशन करके डिमांड नोटिस, जो एक हमारा प्रक्रिया है, वो डिमांड नोटिस हमने स्मार्ट सिटी को दे दिया हुआ है। और जैसे ही हमें उसकी रिसिप्ट मिलती है अमाउंट की, तो उसके अकॉर्डिंग उसका कार्य शुरू कर दिया जाएगा। कितना अमाउंट का जो ये प्रपोजल है वो किया गया है? उसमें 13.44 करोड़ का प्रपोजल है, वो जो स्मार्ट सिटी को हमने दिया हुआ है डिमांड नोटिस।